Today the topic of our discussion is the advanced normalization, lecture number 2. And after that, we will cover our higher normalization in week 3, lecture 3. So lecture number 2, advanced normalization, ke andar hamare paas hai 3.5 normal form, that is known as the Boyce code normal form, BCNF. And we have some multi-valued dependency. We have already covered multi-valued attributes many times in our IDS concept and in our first lecture, that is the introduction to our overview of IDS, introduction database systems. Then we will cover in advanced normal forms the fourth normal form, and at last a class activity. So starting from the 3.5 normal form, the Boyce code normal form BCNF, when a relation has more than one candidate key, anomalies may result even though that relation is in third normal form. Consider the student advisor relation shown in figure B1. इस फिगर के अंदर स्टूडेंट एडवाइजर रिलेशन में हमारे पास जो है इसको बताया गया है कि आप कंसीडर करें. दिस रिलेशन हैज द फॉलोइंग एट्रीब्यूट, स्टूडेंट आईडी, मेजर एडवाइजर एंड मेजर जीपी है. मेजर इज टर्म्ड एज द सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट में जीपी है उस स्टूडेंट का जो कि 1, 2, 3 है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ कॉलम नेम स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट एज ए मेजर, एडवाइजर एज ए क्लास टीचर एंड द सब्जेक्ट जीपी है. सो सैम्पल डेटा फॉर दिस रिलेशन आर शोन इन फिगर B1 एंड द फंक्शनल डिपेंडेंसी शोन इन फिगर B1B. सो वी हैव अ डेटा सेट कंटेनिंग 1, 2, 3, 4 नंबर्स ऑफ कॉलम्स. सो एज फंक्शनल डिपेंडेंसीज रिलेशन आर डिफाइंड, वी हैव एड मेजर इज ए डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट क्या था? प्राइमरी की क्या था? प्राइम एट्रीब्यूट, जिसे हमने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, प्राइम एट्रीब्यूट प्राइमरी की. मेजर इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एडवाइजर, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, मेजर को कंपोजिट की में प्राइमरी की बनाया हुआ है, कैंडिडेट की बनाया हुआ है. सो हमारे पास जो है बेसिकली प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है कि हमने यहाँ पे कंपोजिट की बनाया है जिसके ऊपर मेजर जीपीए, जो सब्जेक्ट का जीपीए है, वो फुली डिपेंड कर रहा है कि जीपीए किसी सब्जेक्ट में होगा और किसी स्टूडेंट का होगा. लेकिन जो फैकल्टी मेंबर है उसका तो कोई सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो पढ़ा ज़रूर रहा होगा, लेकिन उसका स्टूडेंट उससे पढ़ रहा होगा. बट टीचर जो है वो डिपेंडेंट नहीं है उन दोनों पर, जैसा कि मैं किसी स्टूडेंट पर डिपेंड नहीं कर रहा. ओके जी, इसके अलावा जो है हमारे पास अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमने जो कंपोजिट की बनाई है वो गलत बनाई है, जो हमने कंपोजिट की बनाई है वो गलत बनाई है बेसिकली. अच्छा, कंपोजिट की कैसे गलत बनाई है? जिस तरह आपको शो हो रहा है नीचे फंक्शनल डिपेंडेंसीज के अंदर, मेजर डिपेंड करता है एडवाइजर पे, सो एडवाइजर मस्ट बी ए प्राइमरी की, not the major. So the while designing a wrong candidate key, composite key, primary keys, इससे ये हमारे पास BCNF का concept आता है. हम लोगों ने 3NF के अंदर जो study किया था last time, वो था transitive dependency. Transitive dependency क्या थी कि वो values जो हम लोग प्राइमरी की ही नहीं बनाते थे. फॉर एग्जांपल इसमें हम ना एडवाइजर को प्राइमरी की बनाए ना मेजर को बनाए, लेकिन मेजर जो है वो डिपेंड करता है एडवाइजर पे, सो एडवाइजर कैन बी ए प्राइमरी की, लेकिन बना क्या दिया, मेजर को प्राइमरी की बना दिया. सो ये रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी की वजह से हमारे पास BCNF का इशू आता है. इसमें क्या इशूज आते हैं? इससे अपडेशन एनोमली, डिलीशन एंड इंसर्शन एनोमलीज जो हैं वो आ जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ 1, 2 इन फिजिक्स, एडवाइजर चेंज हो गया है, हॉकिंग की जगह कोई और टीचर आ गया है, सो आई हैव टू अपडेट 2 नंबर ऑफ टाइम्स दैट स्पेसिफिक रिकॉर्ड. अपडेट एनोमली आ गई. इंसर्शन एनोमली क्या आएगी? अगर मैं जस्ट एक सब्जेक्ट ऐड करना चाहता हूँ और उसमें कोई स्टूडेंट नहीं है अभी, सो मुझे स्टूडेंट आईडी ऐड करना मैंडेटरी है, दैट इज टर्म्ड एज द इंसर्शन एनोमली. And modification anomaly क्या है? If we want to update advisor name, अच्छा even और deletion anomaly क्या थी? अगर हम delete करना चाहते हैं just किसी student के record को, लेकिन उसके साथ साथ advisor का और उसका GPA का record भी student का
डिलीट हो जाता है, या इवन दो हम डिलीट करना चाहते हैं एडवाइज़र को किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड में, सो हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड भी डिलीट कर देंगे क्योंकि रिलेशन हमारा एक ही है, स्ट्रक्चर हमारा एक ही है. सो टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम हम करते क्या आते हैं, वी ट्रांसफॉर्म दैट रिलेशन इन टू मल्टीपल टेबल्स एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉजिकल डाटा मॉडलिंग. एज शोन इन फिगर B1B द प्राइमरी कीज फॉर द रिलेशन इज कंपोजिट की कंसिस्टिंग ऑफ SID एंड मेजर. यहाँ पे देखें SID और मेजर के थ्रू कंपोजिट की बनाई गई है. दस टू एट्रीब्यूट्स एडवाइजर एंड मेजर GPR फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन दिस की. दिस रिफ्लेक्ट द कॉन्स्ट्रेंट दैट ऑल्दो अ गिवन स्टूडेंट मे हैव मोर देन वन मेजर फॉर ईच मेजर स्टूडेंट हैज एक्जेक्टली वन एडवाइजर एंड वन GPR. एक स्टूडेंट का एक से ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट तो है, लेकिन हर एक मेजर सब्जेक्ट के अगेंस्ट जो है कोई एक वैल्यू GPA की भी है और एक किसी एडवाइज़र की भी है, और जो वो एडवाइज़र है वो सेम है, वो डिफरेंट नहीं है. फॉर एग्जांपल फिजिक्स में हॉकिंग है तो वही रिपीट हो रहा है दोबारा. देयर इज अ सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी इन दिस रिलेशन. मेजर इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन एडवाइज़र. जैसा कि मैंने पहले बताया रॉन्ग फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी की. मेजर यहाँ पे प्राइमरी की नहीं बनना चाहिए था क्योंकि मेजर तो डिपेंड कर रहा है एडवाइज़र के ऊपर. सो स्टूडेंट आईडी एंड एडवाइज़र आर द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ द कंपोजिट की. अगर हम स्टूडेंट आईडी और एडवाइज़र को कंपोजिट की बना देंगे सो फिर क्या होगा, फिर अगले इस स्लाइड के बाद आप देखेंगे कि वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. देर इज ओके दैट इज ईच एडवाइजर एडवाइजर इन वन मेजर. नोटिस दैट इज नॉट अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी. इन चैप्टर 5 जो हमने लास्ट चैप्टर किया था, लेक्चर किया था, इन ओवर व्यू वी डिफाइंड अ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जिसके अंदर हम प्राइमरी की डिफाइन ही नहीं करते एज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू नॉन की एट्रीब्यूट्स. इन कॉन्ट्रास्ट इन दिस एग्जाम्पल अ की एट्रीब्यूट मेजर इज फंक्शनल डिपेंडेंट ऑन ए नॉन की एट्रीब्यूट एडवाइजर. ट्रांजिटिव में क्या था, नॉन की पे डिपेंड कर रही थी. इन ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म अ नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन द नॉन की एट्रीब्यूट. बट इन BCNF केस, इन बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म केस, इन 3.5 नॉर्मल फॉर्म केस ए नॉन की ए की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन ए नॉन की एट्रीब्यूट. ट्रांजिटिव में क्या था, नॉन की पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन 3.5 में क्या है, एक की एट्रीब्यूट नॉन की पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज नॉन एज द BCNF. ठीक हो गया यहाँ तक, अभी तक हमने ये पढ़ा BCNF है क्या. देन एनोमलीज इन स्टूडेंट एडवाइजर. मैं आपको रिपीट कर चुका हूँ स्टार्ट में ही कि हमारे यहाँ इसमें अपडेशन एनोमली भी है, इंसर्शन एनोमली भी है और डिलीशन भी है. वो कैसे, अगर हम रिप्लेस करना चाहें हॉकिंग को किसी और प्रोफेसर से, सो वी हैव टू अपडेट मल्टीपल रोज. इंसर्शन एनोमली कैसे है, अगर हम किसी एडवाइजर को ऐड करना चाहें वी हैव टू ऐड अ स्टूडेंट एज वेल, क्योंकि स्टूडेंट और ये दोनों क्या है इसमें कंपोजिट की है, दोनों की वैल्यूज इंसर्ट करना मैंडेटरी है. एंड द लास्ट वन इज द डिलीशन डिलीट एनोमली इज इफ स्टूडेंट नंबर 789 विदड्रॉज फ्रॉम स्कूल वी लूज द इंफॉर्मेशन दैट बैच एडवाइजेज इन म्यूजिक. सो वी हैव टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड इन दैट स्पेसिफिक कॉलम. एक तो इसके अंदर एनोमलीज आ गई हैं, दूसरा क्या हुआ है, इसमें BCNF आ गया, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म आ गया. वो कैसे, अ की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन ए नॉन की एट्रीब्यूट. होना क्या चाहिए था, अ नॉन की एट्रीब्यूट फुली डिपेंड होना चाहिए था की पे, लेकिन हमारे यहाँ क्या हो गया है, एक की पे नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है. सबसे पहले क्या करेंगे, मेजर को नॉन की करके एडवाइजर को की बना देंगे. ये करने के बाद क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, प्राइमरी की बनाया एडवाइजर को. अब आप देखो इसके अंदर आगे मैं अगर स्लाइड करता हूँ, अभी जब हमने ये सॉल्यूशन किया जो आपने मुझे बताया अभी यहाँ पे माइट बी ये. सो जब हमने ये किया एडवाइजर को पहले स्टेप में क्या किया, प्राइमरी की बनाया. सो यू नोट दैट देयर इज अ पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी. नाउ ये किस नॉर्मल फॉर्म में होती थी, हेलो बच्चे, ये किस नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी होती थी सर, अभी याद नहीं है सर. सेकंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती थी, इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म होती थी हमारे पास. ठीक हो गया. सो फिर इसको रिमूव किया. सो हमने क्या क्या, दो टेबल बना दिया, एडवाइजर और मेजर को अलग कर लिया, स्टूडेंट एडवाइजर और मेजर GPA को अलग कर लिया. ये करने से क्या होगा, ये करने से ये होगा कि दो अलग अलग हमारे पास रिलेशन बन जाएंगे. सो हमने ये करने के बाद क्या किया, रिमूव कर ली. सो सी क्या है हमारे पास, सी इज द डिटर्मिनेंट.
इसका मतलब ये है कि बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन सी, बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन सी, जैसा कि हमारे अभी वो एग्जाम्पल के केस में भी था, बट डी इज फुली डिपेंडेंट ऑन बोथ ए एंड बी. डी इज फुली डिपेंडेंट ऑन बोथ ए एंड बी, जैसा कि हमारे लास्ट केस में था जो अभी हमने ट्रांसफॉर्म किया. मेजर जीपीए इज फुली डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट आईडी एंड एडवाइजर, ऐसे ही डी इज फुली डिपेंडेंट ऑन ए एंड बी. सो हमने जब इसको ट्रांसफॉर्म किया, हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए, जैसा कि इसी एग्जांपल को अभी हमने जो किया है यहाँ पे, मेजर जो है वो डिपेंड करता था एडवाइजर पे, सो एडवाइजर को हमने प्राइमरी की बनाया. यहाँ पे बी जो है डिपेंड करता था सी पे, सो सी को क्या किया, प्राइमरी की बना दिया. सो देयर एग्जिस्ट अ पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इन, तो हमारा टेबल क्या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में चला गया, सेकंड में भी नहीं है. उसको रिमूव करने के लिए सी और बी को अलग कर लेंगे, डी और ए सी को अलग कर लेंगे, जैसे अभी हमने यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू करके देखा. ओके, एक तो केस था जिसके अंदर हमने रॉन्ग फॉर्मेशन की प्राइमरी की, मींस जो हमने प्राइमरी की बनाई वो गलत बना दी, जो बनानी थी वो नहीं बनाई. एक और कंडीशन क्या हमारे पास, वो ये है, अनदर कॉमन सिचुएशन इन विच बीसीएनएफ इज वायलेटेड इज वेयर देयर आर टू और मोर ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज ऑफ द रिलेशन, जहां पे हमारे पास कैंडिडेट कीज ओवरलैप कर रही हैं. फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर ग्रेड जो है वो फुली डिपेंडेंट है कोर्स और स्टूडेंट नेम पे, ठीक है, और कोर्स जो है वो फुली डिपेंडेंट है कोर्स और आईडी और एसआईडी पर भी. सो ग्रेड जो है वो इन दोनों पे भी डिपेंड कर रहा है, ग्रेड जो है इन दोनों पे भी डिपेंड कर रहा है, सो ओवरलैपिंग है. एक नॉन के एट्रीब्यूट मल्टीपल डिफरेंट सेट्स के साथ जाके रिलेट कर रहा है, दैट इज टर्म्ड एज द ओवरलैपिंग ऑफ द प्राइम नॉन के एट्रीब्यूट ऑन द प्राइमरी कीज. इसमें अगर हम देखें दिस एग्जांपल, देयर आर टू कैंडिडेट कीज, स्टूडेंट आईडी कोर्स आईडी एंड स्टूडेंट नेम एंड कोर्स आईडी, इन विच कोर्स आईडी अपीयर्स इन बोथ कैंडिडेट कीज. अगर आप देखें कोर्स आईडी यहां पे भी आ रहा है एज ए प्राइमरी की, और कोर्स आईडी स्टूडेंट आईडी के साथ भी आ रहा है और नेम के साथ भी आ रहा है एज ए प्राइमरी की. द प्रॉब्लम विद दिस रिलेशनशिप इज दैट वी कैन नॉट रिकॉर्ड स्टूडेंट डाटा एंड स्टूडेंट नेम अनलेस द स्टूडेंट हैज टेकन अ कोर्स. अगर हम जस्ट स्टूडेंट का डाटा इंसर्ट करना चाहते हैं, हम नहीं कर सकते जब तक कि स्टूडेंट ने कोई कोर्स जो है वो उसके अंदर एनरोलमेंट नहीं की. और ये फिगर आपको शो कर रही है. सो इसको भी हम कैसे करेंगे, हमारे पास इसको भी हम ट्रांसफॉर्म जब करेंगे, हम देखेंगे कि जो फुली डिपेंडेंसी है उसके हिसाब से. अब जो है हमने क्या किया, हमने ये देखा कि स्टूडेंट आईडी पर स्टूडेंट नेम फुली डिपेंड कर रहा है और ग्रेड तो ओवरलैप कर रहा था. सो हमने क्या किया, स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम का अलग रिलेशन बना लिया और ग्रेड को कोर्स आईडी और स्टूडेंट आईडी के साथ रिलेट कर लिया. और ग्रेड वाले टेबल में, सेकंड टेबल में हमारे पास जो है स्टूडेंट आईडी एज ए फॉरन की आ रहा है. सो हमने ग्रेड को स्टूडेंट आईडी से वाया फॉरन की रिलेट कर दिया, डायरेक्ट नहीं किया. और स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी इन फिगर बी, जो सेकंड फिगर है उसमें भी आप देखें, ये भी कंपोजिट की बना हुआ है. ओके, अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा कि बी सी एन एफ की दो कंडीशन हैं. एक के अंदर हम अगर गलत फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी की करें और दूसरी कंडीशन की अगर ओवरलैपिंग हो बिटवीन द कैंडिडेट कीज द कंपोजिट कीज. ठीक हो गया, यहाँ पे तो हमारे पास कॉम्बरसम की बन रही है ना, तीन प्राइमरी कीज बन रही हैं. सो हम उसको कैसे मीन्स के सॉल्व कर रहे हैं, हम देख रहे हैं जो फुली डिपेंडेंट हैं वो स्टूडेंट आई डी पे स्टूडेंट नेम है. लेफ्ट साइड ऑफ द एरो इज द डिटर्मिनेंट. सो हम इसको क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं और स्टूडेंट आईडी को रिलेट कर रहे हैं ग्रेड को मीन्स कवर करने के लिए वाया फॉरन की. सो दैट इज आवर बी सी एन एफ टू कंडीशन, वन इज ओवरलैपिंग एंड वन इज वेयर वी फॉर्म ए रॉन्ग प्राइमरी की. अ नॉन के अ की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट ऑन ए नॉन के एट्रीब्यूट, जैसे हमने अभी डिस्कस किया पहले. सो इसके बाद हमारे पास है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म. इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म हम क्या करते हैं, वी हैव टू कंडीशंस. अ रिलेशन आर इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड और मेट. रिलेशन आर एक टेबल है जिसे हम रिलेशन आर कह रहे हैं, मस्ट बी इन 3.5 NF. सबसे पहले तो प्रोग्रेसिव है, सो यू नो दैट इफ अ टेबल इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इट मस्ट बी इन सेकेंड, इफ अ टेबल इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इट मस्ट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. ठीक हो गया. सो इफ अ टेबल इन थ्री
fourth normal form, it must be in 3.5 normal form. And the second point is very important. It must not contain any multi-valued dependency. So it must not contain any MVD. So multi-valued attributes and multi-valued dependencies are different concepts. Attributes kya the? Hobby, skill or multi-valued attributes. Lekin dependencies kya hai, different concept hai. So I'm going to teach you the multi-valued dependency concept. अच्छा अभी हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे थे. फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की दो कंडीशंस हैं, एक तो 3.5 में हो और दूसरी कंडीशन क्या है, इट मस्ट नॉट कंटेन एमवीडी द मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसीज. ये एट्रीब्यूट जो मल्टी वैल्यूड पढ़े थे उससे डिफरेंट है. ओके, इट इज अ डिपेंडेंसी वेयर वन एट्रीब्यूट वैल्यू इज पोटेंशियली अ मल्टी वैल्यूड फैक्ट अबाउट अनदर. सो इसका क्या मतलब हुआ जी, कि एक एट्रीब्यूट के अगेंस्ट मल्टीपल डिफरेंट वैल्यूज ना हो उस टेबल के अंदर. फॉर एग्जाम्पल अगर आप राइट साइड पे देखें तो आई हैव एन एग्जांपल ऑफ ए पर्सन पी मोबाइल एम एंड फूड लाइक एफ. अगर आप नोट करें पहले स्ट्रक्चर के अंदर स्टार्ट में M1 M2 लिखा हुआ है, F1 F2 लिखा हुआ है. सो वी हैव मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. सो ये स्ट्रक्चर क्या है, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है. हमने इसको मजीद ट्रांसफॉर्म किया तो हमारे पास आ गए पर्सन मोबाइल और फूड लाइक. हमने एक कॉलम वाइज इनको अरेंज कर दिया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को खत्म कर दिया. सो आप देखें T1 और T2 के ऊपर देखें, P1 जो है वो रिलेट कर रहे हैं M1 के साथ भी, F1 के साथ भी. P1 is again relating with the M2 and F2. So P के ऊपर क्या है, मल्टी वैल्यूड फैक्ट है M का, और F भी ऐसे ये मल्टी वैल्यूड फैक्ट है P के अगेंस्ट. हम फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर आप राइट यहाँ बॉटम नोट के नीचे देखें, फंक्शनल डिपेंडेंसी आपको डेफिनेशन रिपीट की है मैंने, जिसके अंदर है अल्फा के ऊपर फंक्शनली डिपेंडेंट कर रहा है बीटा. सेज वी कॉन्ट हैव टू टपल्स विद सेम अल्फा वैल्यूज बट डिफरेंट बीटा वैल्यूज. ये नहीं हो सकता कि हमारे पास अल्फा की वैल्यूज सेम है और बीटा की वैल्यूज जो है वो डिफरेंट है. जैसा कि P1 पर्सन वन है उसका एक मोबाइल नंबर है, उसी पर्सन का कोई और मोबाइल नंबर है, ठीक हो गया. सो पर एक ही पर्सन के मल्टी वैल्यूड फैक्ट्स हैं, दो डिफरेंट फोन नंबर हैं इस केस के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर. सो वी कैन से दैट इट इज अ मल्टी वैल्यूड फैक्ट कि एक ही पर्सन के मल्टीपल वैल्यूज हैं एक ही स्ट्रक्चर के अंदर और दो डिफरेंट रोज के अंदर हम उसको स्टोर करा रहे हैं. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर इज देयर मस्ट बी 3 or more एट्रीब्यूट एग्जिस्ट इन अ रिलेशन. सबसे पहले एमवीडी उस स्ट्रक्चर में होगी जिसमें 3 एट्रीब्यूट होंगे, हो सकती है उस स्ट्रक्चर के अंदर. इन गिवन एग्जाम्पल देयर आर 3 एट्रीब्यूट लाइक पर्सन mobile and food like. Attributes or subsets of attributes must be independent of each other. For example, mobile and food like attributes are independent. ये दोनों एक दूसरे पर depend नहीं करते हैं, mobile और food. एक person है उसका दो mobile number है और दो food की liking है. Just as an example given in that slide. So, एक तो 3 attributes हो गए उस table के और एक ही पर्सन के मल्टी वैल्यूड फैक्ट्स हैं, मल्टीपल फैक्ट्स हैं जो कि हमने रोज के अंदर T1, T2 रो के अंदर स्टोर कराया. लेकिन हमने जो फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन पढ़ी थी वो क्या थी, फॉर एग्जांपल पी को मैं अल्फा कह देता हूँ और मोबाइल को मैं बीटा कह देता हूँ. सो बीटा इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन अल्फा. सेज वी कॉन्ट हैव टू टपल्स विद सेम अल्फा वैल्यूज बट डिफरेंट बीटा वैल्यूज. अब ये सारी कंडीशंस मीट होनी चाहिए, 3 एट्रीब्यूट हों और बीटा की वैल्यूज मल्टीपल हों जो कि अल्फा के ऊपर डिपेंड कर रही हों. तो हम डबल एरो के साथ शो करेंगे जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में किया हुआ है. सो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की डेफिनेशन दोबारा से यहाँ मैंने दी हुई है, बीटा इज मल्टी वैल्यूड फैक्ट ऑफ अल्फा इफ एनी लीगल रिलेशन आर ऑफ आर फॉर ऑल पेयर्स ऑफ टपल्स T1 एंड T2 इन आर सच दैट T1 अल्फा इज इक्वल टू T2 अल्फा. सो दैट स्टैंड्स के T1 की वैल्यू अल्फा हमने मोबाइल को कहा है, ठीक हो गया. M1 इज इक्वल टू T2 अल्फा. T2 क्या है, P1 और अल्फा क्या है, M2. अब देखें ना अल्फा की वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे हमारे पास जो हैं वो T1 एंड T2 में सेम है, जो कि जैसा मैंने कहा अल्फा इज पर्सन एंड मोबाइल इज बीटा. सो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है, जो मल्टी वैल्यूड फैक्ट्स अबाउट वन एट्रीब्यूट वैल्यूज पोटेंशियली या मल्टी वैल्यूड फैक्ट अबाउट अनदर मींस
एक एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज हों, जैसा कि पर्सन में P1 के अगेंस्ट दो वैल्यूज हैं एक ही टेबल में। अच्छा, इस मजीद फर्दर दो कंडीशन हैं MVD की, वो क्या हैं? अगर तीन एट्रीब्यूट होने चाहिए टेबल में तो फिर हो सकती है MVD। और जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कुछ कुछ दो एट्रीब्यूट्स ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे पे डिपेंड ना करें। फॉर एग्जांपल मोबाइल और फूड एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, दोनों पर्सन पे ही डिपेंड करते हैं। इसको डिज़ाइन कैसे करेंगे? अल्फा के आगे डबल एरो करके आप बीटा कर दें, जैसे कि पी के आगे डबल एरो करके एम है, देन एफ है। सो एम इज़ ए मल्टी वैल्यूड फैक्ट अबाउट ए पर्सन पी, एफ फूड लाइक इज ए मल्टी वैल्यूड फैक्ट अबाउट ए पर्सन पी। देन ये बुकिश डेफिनेशन, इसमें भी सेम वही चीज़ है जो मैंने आपको कोशिश की एग्जांपल के थ्रू इजी करके समझाने की। सो आप इसको देख लेंगे, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ये एक एग्जांपल दी हुई है, वैसी ही एग्जांपल है जैसे मैंने आपको भी कराई। ये बुकिश एग्जांपल मैंने ऐड की है इसके अंदर। हमारे पास कोर्स है, इंस्ट्रक्टर हैं, टेक्स्ट बुक हैं। सो अब आप ये देखें, इंस्ट्रक्टर और टेक्स्ट बुक जो हैं वो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, बट कोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। टेक्स्ट बुक किसी कोर्स की होगी, इंस्ट्रक्टर भी किसी कोर्स के अगेंस्ट होगा। सो हमने इसको मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिमूव जब किया तो कॉलम वाइज हमने इसको नोट कर लिया। अगर आप यहाँ पे देखें, मैनेजमेंट के अगेंस्ट वाइट एक इंस्ट्रक्टर है, देन मैनेजमेंट के अगेंस्ट ग्रीन भी है, देन मैनेजमेंट के अगेंस्ट एक ब्लैक भी है। सो देयर आर मल्टी वैल्यूड फैक्ट्स अबाउट ए कोर्स, जिसे हम अल्फा कहते थे वहाँ पे, और इसको बीटा कहते थे। सो इवन अगर हम इसको गामा भी कह लें तो टेक्स्ट बुक भी हमारे पास मल्टी वैल्यूड फैक्ट्स हैं अबाउट द कोर्स। यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है, सेकंड में भी है, थ्री में भी है, और फर्दर जो है हमारे पास 3.5 में भी है, लेकिन ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं है। अच्छा, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या है? तीन एट्रीब्यूट हों टेबल में और दो एट्रीब्यूट एक दूसरे पर डिपेंड ना करें, इंस्ट्रक्टर और टेक्स्ट बुक एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, दोनों डायरेक्टली डिपेंड करते हैं कोर्स के साथ, ठीक हो गया। और उसके अंदर मल्टी वैल्यूड फैक्ट भी हों, जैसा कि इसके अंदर मैनेजमेंट के अगेंस्ट मल्टीपल वैल्यूज हैं, वाइट, ग्रीन, ब्लैक, ड्रकर, पीटर्स, ठीक हो गया। तो मल्टीपल वैल्यूज हैं अगेंस्ट सेम कोर्स। सो इसके अंदर भी हम देखते हैं क्या एनोमलीज हैं, कौन कौन से एनोमलीज, डिलीशन, अपडेशन एंड इंसर्शन एनोमली है। नंबर वन इज ईच कोर्स हैज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट हैज थ्री इंस्ट्रक्टर्स। Each course has a well-defined set of textbooks that are used. Finance has two textbooks. Okay, यहाँ पे बताया हुआ basically anomaly के बारे में। यहाँ से देखें आप, yes, it does contain much redundant data that can easily lead to update anomalies. For example, suppose that we want to add a third book name as Middleton, जो उसका author है, to the management course. This change would require the addition of three new rows to the relation. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैनेजमेंट का डाटा यहाँ पे जो है वो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिपीट होगा उस टेक्स्ट बुक का अगेंस्ट डिफरेंट सेम कोर्स, जैसे कि फाइनेंस का डाटा आ रहा है टू टाइम्स आ रहा है टेक्स्ट बुक के अगेंस्ट। सो रेपिटिशन है इसके अंदर हमारे पास, एनोमली है रेपिटिशन की। अच्छा, इसको रिमूव कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये दोनों जो कॉलम्स हैं ये किस पे फुली डिपेंड करते हैं, ये दोनों कोर्स पे करते हैं। सो हम इसको रिमूव कैसे करेंगे? कोर्स और इंस्ट्रक्टर का अलग टेबल बना लेंगे, कोर्स और टेक्स्ट बुक का अलग टेबल बना लेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको शो किया हुआ है। कोर्स और इंस्ट्रक्टर का अलग टेबल, क्योंकि इंस्ट्रक्टर कोर्स पे डिपेंड कर रहा है और टेक्स्ट बुक भी कोर्स पे डिपेंड कर रही है, सो इसका अलग टेबल बना लिया। नाउ यू कैन एनालाइज दैट टेबल एंड यू कैन से दैट सर यहाँ पे भी तो रिपीट हो रही हैं वैल्यूज दो, लेकिन हमारे पास कॉलम्स कितने हैं? ये तीन नहीं हैं, दो हैं। हमने जो है वो बहुत कम कर ली एनोमली। दिस इज योर क्लास एक्टिविटी।